इसके बारे में बात हम बाद में करेंगे वट वी कैन सी हियर इज की कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और जो एफ एम सी जी स्टॉक्स और सब है उन्होंने भी उतना कुछ खास नहीं किया अगेन द सेम थिंग्स दैट वी हैव बीन सीइंग प्रीवियसली एज वेल जो थोड़ी सी माइल्ड अंडर परफॉर्मेंस हेल्थ केयर भी थोड़ा डाउन है और फार्मे uh, भी थोड़ा डाउन है अगेन सेम सॉर्ट ऑफ स्टोरी दैट हैज हैपेंड अर्लियर एज वेल ब्रॉड मार्केट की बात करें वी कैन सी निफ्टी हैज अंडर मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स पर उतना बड़ा डिफरेंस नहीं है उतना बड़ा गैप नहीं है मेन की एरिया हेयर इज दैट इंडिया विक्स नीचे आया है साढ़े छः परसेंट से ज्यादा से सो वी कैन सी इज बैक बिलो ट्वेंटी टू और आई थिंक दिस वॉज वन ऑफ द मेन रीजन वाई यू नो हम लोग अच्छे सी मूव देख सकते थे वो कौन सी अच्छे से मूव है वी कैन सी ह्योर सो कल का अगर ओपन देखते हैं देन इट वॉज ह्योर अराउंड सेवनटीन फाइव सेवेंटी फाइव और आज का अगर ओपन देखते हैं दैट इज अराउंड सेवनटीन थाउजेंड सो देस ऑफ ऑलमोस्ट सिक्स हंड्रेड पॉइंट Which is almost three and a half percent between yesterday's open and today's open. So बहुत बड़ा gap है. And of course, we can see despite that much of a gap, Nifty was able to close positive 130 points. हम लोग बात करेंगे आज के range के और सब के बारे में. But for now, what we can see is कि ये वाला जो level था, वो ही से bounce किया है. ये कौन सा level है? We've seen this level back in the last uh, week of November or so. पर पिछली बार जब ऐसा हुआ था उसने वो लेवल तोड़ दिया था आफ्टर सम टाइम सो एक दो हफ्ते में बट नाउ लीडिंग अप टू द बजट बजट के कैसे होता है क्या होता है एग्जैक्टली exactly, सेंटिमेंट तब हमें बेटर पता चलेगा इफ आई गो टू द फाइव मिनट चार्ट वी कैन सी दिस इज येस्ट मूव स्ट्रेट डाउन और ये आज का मूव है हम लोग देख सकते हैं पहले कैंडल में फिर भी वी, वी वर कंटिन्यूइंग टू सी सम यू नो नेगेटिविटी इनफैक्ट कल का लो अच्छे से ब्रेक किया था उसने बट देन वी सॉ स्विफ्ट रीबाउंड एंड हम लोग देख सकते हैं राइट अराउंड टेन ओ क्लॉक विदिन लाइक हाफ एन आर सो सो काफी इम्पोर्टेंट साइन है और अगर हम लोग लोज से बात करें तो हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस क्लोज वॉज थ्री हंड्रेड पॉइंट हुए राइट सो ओपन से वन ट्वेंटी और लोज से थ्री हंड्रेड सो दैट्स अग बिग बिग गैप हाँ श्योर यहाँ पे चार्ट पे ऐसा छोटा सा दिख रहा है

वहां से उसने रेजिस्टेंस लिया बट देन कंसिस्टेंटली वी वर सीइंग हायर लोज एंड देन फाइनली इट वाज एबल टू ब्रेक अबाउ एंड देन वी सॉ मूव अपवर्ड्स वी कैन स्टिल सी सम रेजिस्टेंस अराउंड दिस एरिया वी कैन सी स्टिल सी सम पॉसिबल हिकअप जोन्स जो उसे uh, बीच में लग सकते हैं बट लेट्स सी ऑब्वियसली इट्स नॉट रियली इट्स नॉट रियली अ कम्प्लीट रिकवरी इट्स नॉट रियली की मार्केट फिर से ऊपर आ गया है ऐसा कुछ नहीं इट्स जस्ट लाइक अ रिलैक्सेशन ऑफ रिलैक्सेशन ऑफ निफ्टी यू कैन से बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं ना दिस इज़ वेयर थिंग्स लुक वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि निफ्टी का कैंडल देखते हैं और बैंक निफ्टी का कैंडल देखते हैं दे आर वेरी 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 डिफरेंट वी कैन सी बैंक निफ्टी कैंडल इज़ ऑब्वियसली ऑल्सो बिग सेवन हंड्रेड एंड सिक्सटी पॉइंट्स बैंक निफ्टी का ओपन और आज का ओपन जो था मतलब दो ओपन के बीच में थाउजेंड पॉइंट्स का डिफ्रेंस था एंड वॉट वी कैन सी बैंक निफ्टी इज बेसिकली लुकिंग लाइक अ मोर स्ट्रांग कैंडिडेट राइट नाउ क्योंकि उसका जो बॉडी है दैट इज लार्जर सो दैट्स वन थिंग दैट वी कैन सी हियर अगर हम लोग फाइव मिनट चार्ट पे देखते हैं हम लोग देख सकते हैं इट्स लाइक अ स्ट्रेट मूव अपवर्ड्स राइट ऑलमोस्ट सीधा ही ऊपर जा रहा है और पॉसिबली ये वाला जो एरिया है वहां पे उसे रेजिस्टेंस लग सकता है ऑब्वियसली इट्स राइट राइट अराउंड और ऑलमोस्ट अबव दैट एरिया बट वी कैन नेवर बी टू श्योर सो ये एरिया जो है वो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा देखने के लिए एज ऑफ नाउ इट्स डन वेल अगर हम लोग बात करें कि Uh, पहले थोड़े टाइम में मतलब पहले घंटे अराउंड टेन ओ तक क्या रिकवरी की थी वी कैन सी दैट वॉज इट्स अराउंड नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट्स वो सिर्फ नौ बजे तक उसने दस बजे तक उसने नाइन हंड्रेड एंड फिफ्टी पॉइंट्स की रिकवरी की थी ऑलमोस्ट एंड आफ्टर दैट इफ वी सी लो टू हाई टुडे वी कैन सी इट्स अराउंड फोर्टीन हंड्रेड पॉइंट सो दैट्स अ बिग मूवमेंट टुडे ओवरऑल अगर बात करते हैं एंड स्पेशली वैन वी कंपेयर इट टू निफ्टी बिकॉज दोनों में काफ़ी अंतर है काफ़ी डिफरेंस है नाउ इफ वी मूव टू रिलायंस रिलायंस में हम लोग देख सकते हैं ट्वेंटी थ्री सेवेंटी ऑनओडी बेसिस हैज बिन हेल्ड विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड साइन लेट्स क्या इसे और होल्ड कर सकता है ऑब्वियसली वी कैन सी अच्छा बाइंग हुआ है एंड रिलायंस इज एक्चुअली वन ऑफ द रीजनज वाई निफ्टी वॉज एबल टू कैच अपर ना आई डोंट थिंक निफ्टी वुड हेव बिन एबल टू कैच अप टू बैंक्स इफ रिलायंस नहीं होता तो वी कैन सी रिलायंस वॉज लाइक स्टेगनेटेड फॉर द मोस्ट ऑफ द डे और उसके बाद ऊपर गया था नेक्स्ट ऑप वी आर लुकिंग एट एच डी एफ सी बैंक चार्ट हम लोग देख सकते हैं कि हमारा जो फोर्टी फोर्टीन फोर्टी का जोन है वहीं से ऊपर गया है एंड इट्स sort of, uh, you know, अगर हम लोग देखते हैं लो से हाई देस एक्चुअली अराउंड दो ईडी बेसिस पे सिर्फ फ्लैट क्लोज दिया है इट्स एक्चुअली अ रिकवरी ऑफ अराउंड अगेन बैंक्स अच्छे हैं दैट वी सॉ विद बैंक निफ्टी एज वेल एंड वैन वी लुक एट द निफ्टी वेबसाइट इन्फोसिस की बात करें नाउ दिस इज़ वेयर आई फील इन्फोसिस माइट लुक लाइक अ गुड बाय पर्सनली क्योंकि ये एरिया के अंदर पहुंच रहा है नाउ जनरली वी हैव सीन कि जब यहाँ पे आता है दान्स कितना रिटेस्ट करें एंड आफ्टर दैट वी सीन कंसिस्टेंट अपर मैं मूविंग uh, एवरेजेस भी देखता हूँ वी कैन सी दैट इज राइट अराउंड वेर द टू हंड्रेड एम ए माइट स्टार्ट कमिंग इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस सो देखते हैं कैसा जाता है एज ऑफ नाउ तो इट्स इट्स ग्राउंड वेल एच डी एफ सी की बात करें वी सॉ दैट इट एक्चुअली ब्रोक दिस रेक्टेंगल सपोर्ट दैट वी सॉ लाइक दैट जोन दैट वी सॉ और वो नीचे गया है ट्वेंटी फोर एटी लेवल से ना ये बहुत ऑर्ड थिंग ऑर्ड थिंग इन द सेंस दैट वी आर सींग मैनी अदर स्टॉक्स डूइंग वेरी वेरी वेल आज श्योर एच डी एफ सी ने रिकवर किया है बट वी आर लुकिंग एट अ लेवल जो एच डी एफ सी ने अभी जो रिसेंट फॉल था वहां पर भी टच नहीं किया दिस इज दिस लेवल इज बैक इन ऑगस्ट एंड जुलाई जो हो रहा था वहां पर आ गया है सो इट्स अ वेरी यू नो वेरी शार्प फॉल आई वुड से एस्पेशली गिविन द ब्रॉड मार्केट आई डोंट थिंक ज्यादा उतने स्टॉक्स हैं जो इतने ज्यादा गिरे हैं डिस्पाइट नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल क्योंकि बाकी सारे जो स्टॉक्स है ऊपर जाने के बाद थोड़े गिरे हैं ये तो उतना खास उपर भी नहीं गया आई आर इन सो लेट गोज अगेन इंट्राडिया अगर देखना है आईसीआईसी like. uh, में हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला जो गैप है दैट हेज बिन फिल्ड इफ वी टॉक अबाउट ईओडी बेसिस वॉट वीकेज इट्स थ्री पॉइंट टू परसेंट अपट अगर हम लोग फाइव मिनट में देखे वीके

द लाइन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट सो ये वाली मैंने लाइन बस ड्रा की थी प्योरली जस्ट टू सी हाउ इट मूवज ऑब्वियसली इट्स नॉट रियली रेलिवेंट यूर बट इन केस यूर वांडरिंग वो लाइन ये थी एंड वी कैन सी एस बी आई इज एक्चुअली वन ऑफ द स्टार परफॉर्मर्स टूडे एंड इट्स डेफिनेटली वन ऑफ द रीजनज वाई पी एस यू बैंक्स ने अच्छा किया है बिकॉज वी कैन सी इट्स अ वेरी स्ट्रांग अप मूव ना एक चीज है हम लोग ने पहले देखा है कि राइट अराउंड दिस एरिया इज वेयर सेलर्स हैव स्टेप डिन तो क्या आज का जो स्ट्रांग मोमेंटम वाला डे था गुड स्ट्रांग कैंडल राइट ऑलमोस्ट ओपन इक्वल्स टू लो टाइप कैंडल क्या वो तोड़ पाएगा और नॉट आई थिंक दैट इज़ द रियल क्वेश्चन वी कैन सी दैट द रिजल्ट ऑफ एस बी आई इज़ वेल आफ्टर द यूनियन बजट सो ऑब्वियसली उसका उसके रिलेटेड उसके मोटिवेटेड कुछ मूव शायद नहीं आएंगे लेट्स गोज मे बी दैट सम न्यूज इवेंट मे बी एस बी आई का कोई uh, जो क्या बोलते हैं एसेट है उसकी रिकवरी की बात हुई है मे बी दैट समथिंग लाइक दैट आई एम नॉट श्योर बट इट कुड बी बिकॉज ऑफ दैट फोर परसेंट इज नॉट अ जोक नेक्स्ट आप एक्सिस बैंक येट हेट अन अदर स्टॉक दैट इज गॉन स्ट्रेट अप हम लोग ने बात की थी एक्सिस बैंक की कि हाउ इट इज सॉर्ट ऑफ यू नो अराउंड सिक्स नाइनटी नाइन और उसने सेवन हंड्रेड लेवल को एक्सेप्ट किया था कल बट ऑब्वियसली आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग लाइक अगले ही दिन सीधा ऊपर चले जाएगा वी वर सींग कंसिस्टेंट हायर लोज बट ऐसा नहीं था कि वो सीधा इट वॉज़ लाइक अ वेल प्लेस्ड अपवर्ड मूव नाउ लेट्स क्या होता है वी सीन थ्री हायर हाई थ्री थ्री लोज राइट नाउ ये वाला ये वाला और ये वाला क्या वो 750, 7760 एरिया को तोड़ पाएगा या नहीं आई थिंक दैट इज़ वेयर द रियल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन लाइज अगर वो तोड़ सकता है देन आई थिंक यू नो हिटिंग अराउंड दीज लेवल्स इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी देखते हैं कैसा जाता है ये मूव के बाद इट इज़ इट माइट जस्ट बी वन ऑफ द स्ट्रॉगेस्ट बैंक्स टूडे इंक्लूडिंग एस बी आई एस बी आई भी इतना नहीं गया एंड वी कैन सी दिस बेरिश डाउनवर्ड चैनल दैट वी सॉ दो तीन कैंडल में उसे तोड़ा उसमें वहाँ पे थोड़ा सा हेजिटेशन uh, किया और उसके बाद इट वॉज लाइक अ स्ट्रेट मूव अपवर्ड इफ यू वॉन्ट टू सी हाउ वेल इट डिड टूडे नॉट जस्ट फ्रॉम प्रीवियस क्लोज देन वी कैन सी स्टिल सिक्स एंड अ हाफ परसेंट का मूव सो दैट सॉलिड So, yeah, very curious to hear your thoughts as well. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.